ठीक है। तो नोमनक्लेचर क्या होता है जी? नोमनक्लेचर हमने डिस्कस किया हुआ है कि नाम देने का तरीका होता है, ठीक है। कंपाउंड्स को जो नाम देने का तरीका है उसको हम नोमनक्लेचर कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने का जो तरीका होगा उसको नोमनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे, ठीक है, या ऑर्गेनिक नोमनक्लेचर कहेंगे, सही है। तो आईयूपैक जो ना वो एक एब्रिवेशन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। एक केमिस्ट्री की एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें साइंटिस्ट होते हैं बहुत बहुत बड़े, जो ना वो यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स और जो ना वो सब्जेक्ट के केमिस्ट्री के वाले से जो लोग हैं वो होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, ये केमिस्ट्री के वाले से रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्रूव करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो आईयूपैक नेम्स की खसूसियत क्या है कि हर कंपाउंड का, हर मुख्तलिफ जो कंपाउंड होते हैं उसका नाम मुख्तलिफ होता है, और जो नाम एक कंपाउंड का होता है वो किसी और का नहीं हो सकता। मतलब हर एक का नाम जो है ना वो फिक्स होता है और वो नाम उसी का होता है, वो किसी और का नहीं हो सकता। तो किसी भी आईयूपैक नेम्स देने के लिए जो स्टेप्स हैं उनको मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया। आपने इसको इंटर में भी पढ़ा होगा लेकिन आपने उसको इस तरह से नहीं पढ़ा, मैंने इसको बड़ा आसान वे में इसको बनाया है, तो इसको समझिएगा। सबसे पहले आईयूपैक जब नेम हमने देना होता है तो हम 3 काम करते हैं। सबसे पहले हम पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं, नंबर 2 पे हम पेरेंट चेन की नंबरिंग करते हैं, नंबर 3 पे हम उसका नाम लिखते हैं। तो ये 3 काम हमने सिर्फ करने हैं, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन एंड राइटिंग द नेम ऑफ कंपाउंड, ठीक है। ये 3 काम हमने करने हैं। अब उन 3 कामों को करना कैसे है इसको देखते हैं। सबसे पहले कि हमने पेरेंट चेन चूज करनी है, लेकिन सवाल ये आता है कि भाई पेरेंट चेन होती क्या है, ठीक है। तो पेरेंट चेन के लिए 2 शर्तें हैं बेसिक, कि पेरेंट चेन वो होती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम्स हो, जो लॉन्गेस्ट चेन हो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हो वो पेरेंट चेन है। ये ऐसे नहीं समझ आएगा, हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। यहाँ पे देखें, ये आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इनमें मैं आपको बताऊंगा जी पेरेंट चेन कौन सी है। देखिए पेरेंट चेन होता है, फर्ज करें ये कंपाउंड बना हुआ है, आपने एक सिरे से शुरू होना दूसरे सिरे तक जाना है, ठीक है। पहली चेन आपको नजर आ रहा है कि ये एक चेन हो सकती है, ठीक है। इसमें कार्बन की तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 कार्बन है, ठीक है। ये एक चेन हो सकती है, मतलब ये पेरेंट चेन हो सकती है, ठीक है। दूसरा फर्ज करें जी आप शुरू कर ले यहां से, ठीक है, इधर से शुरू कर लें, ठीक है, और इधर आ जाएं सीधा, ठीक है। ये भी एक चेन बन सकती है, इसमें कितने एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसमें इसमें उससे कम है। एक और चेन बन सकती है, मिसाल के तौर पर जी चेन कहाँ पे बन सकती है, ये बन सकती है कि आप इधर से शुरू करें, ठीक है, और इधर आए फिर इधर आए, ठीक है। तो ये इस चेन में कितने एटम्स हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7, ठीक है। तो इसमें भी एटम्स की तादाद कम है, ठीक है। ये 3 चेन्स यहाँ पे हमने देखी, ठीक है। एक और चेन भी बन सकती है, ये ब्लू वाली, यहां से शुरू करें इधर आए और फिर इधर आए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये सारी चेन्स बन सकती है, लेकिन इसमें से हमने देखा है कि जो रेड वाली है, 9 वाली, ये सबसे बड़ी चेन है, इसके जितनी जो ना वो कोई चेन नहीं है। तो जिस चेन में सबसे कार्बन एटम की तादाद सबसे ज्यादा है वो होती है जी हमारी पेरेंट चेन। मसलन ये वाली जो चेन है ये हमारी पेरेंट चेन है जिसको मैं इन सर्कल कर रहा हूँ अब, ठीक है। ये आपने आपकी पेरेंट चेन है जिसमें कार्बन एटम की तादाद सबसे ज्यादा है, ये पेरेंट चेन है। तो बाकी क्या है, बाकी जितनी भी चीजें बचती हैं वो सारे के सारे हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, ये सारे का सारा सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, ये जो है सारे का सारा एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, और ये भी क्या है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अच्छा बेटा, पेरेंट चेन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अच्छा, जी सर हमने सिलेक्ट करनी है पेरेंट चेन और फिर हमने सिलेक्ट करने हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। ये हमने दूसरी एग्जांपल पे आ जाए, यहाँ पे देखें, यहाँ पे पेरेंट चेन कौन सी हो सकती है, यहाँ पे हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं। पहली चेन यहाँ ये हो सकती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 एटम्स है इसमें, ठीक है। दूसरी हमारे पास हो सकती है, ये इसको ग्रीन वाला करते हैं, यहाँ से शुरू करें, ठीक है, और इस तरफ आ जाए, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 एटम्स हैं, ठीक है।
और इसके अलावा और बाकी जो है ना वो छोटी होंगी, इधर से शुरू करके इधर चले जाएं जैसे भी है, ठीक है। एक और चेन भी हो सकती है, बन सकती है, वो बन सकती है जी, मैं ब्लैक से उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वो चेन हो सकती है कि आप इधर से शुरू करें इधर और फिर इधर आ जाएं, ठीक है। 1 2 3, ये वाला 3 4 और 5, इसमें भी 5 एटम्स हैं, ठीक है। अब आपके पास तीनों चेन्स जो है ना, जितनी भी मैंने ड्रॉ की हैं, एक ब्लैक है, एक रेड है और एक जो है ना वो ग्रीन है, तीनों में एटम्स की तादाद है 5, ठीक है। अब जब ऐसी सूरत हाल आ जाए तो हमने किसको पेरेंट चेन चूज करना है, तो फिर हम पेरेंट चेन चूज करते हैं उसको जिसके साथ सब्सिट्यूएंट्स की तादाद ज्यादा है। मसलन मसलन ये है कि फर्ज करें जब आपने रेड वाली को चूज किया पेरेंट चेन, रेड वाली को पेरेंट चेन चूज करेंगे तो ये सब्सिट्यूएंट बन जाएगा, ठीक है, ये सारा सब्सिट्यूएंट बन जाएगा, ठीक है, और ये भी क्या बन जाएगा, सब्सिट्यूएंट बन जाएगा। मतलब रेड वाली चेन के साथ 3 सब्सिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। जब आप चूज करेंगे ग्रीन वाली पेरेंट चेन, ठीक है, ग्रीन वाली पेरेंट चेन चूज करेंगे तो एक तो ये सब्सिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है, और ग्रीन वाली में एक ये सब्सिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है, और एक आपका हो जाएगा जी ये वाला सब्सिट्यूएंट। मतलब इसमें भी वही 3 सब्सिट्यूएंट है, ठीक है। अगर आप ब्लैक वाली चूज करते हैं, ठीक है, ब्लैक वाली पेरेंट चेन चूज करते हैं तो उसमें सब्सिट्यूएंट्स कौन कौन से होंगे, अगर ब्लैक वाली चूज करते हैं तो ये सारा एक सब्सिट्यूएंट हो जाएगा और ये सारा एक सब्सिट्यूएंट हो जाएगा, उसमें सिर्फ 2 सब्सिट्यूएंट्स हैं। तो पेरेंट चेन हमने वो चूज करनी होती है, नंबर वन पहले हमने देखना है कि किसमें कार्बन की तादाद ज्यादा है। जिसमें कार्बन की तादाद ज्यादा होगी वो हमारी पेरेंट चेन है। जब कार्बन की तादाद एक जैसी हो तो फिर हम उस चेन को चूज करते हैं जिसमें हाइड्रोजन की जिसमें सब्सिट्यूएंट्स की तादाद ज्यादा है, फिर उसको हम जो है ना वो पेरेंट चेन जो है वो क्या कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है वो हमारी पेरेंट चेन है, फर्ज करें ये वाली, क्योंकि इसमें सब्सिट्यूएंट 3 है, ठीक है, दूसरी में भी 3 ही थे एक जैसे है, तो ये आपका सब्सिट्यूएंट हो गया, ठीक है, ये भी सब्सिट्यूएंट हो गया और ये भी क्या हो गया, सब्सिट्यूएंट, ठीक है। तीसरी एग्जांपल देखें पेरेंट चेन की, आप में से किसी को एनोटेट करना आता है, आप कोई कोई बता सकता है पेरेंट चेन, बकरा शाबाश। और बनाए और कौन सी बनती है, एक तो ये बना दिया आपने, और पहले पॉसिबल बना देना कौन कौन सी बनती है, फिर उसमें देख लेंगे लॉन्गेस्ट कौन सी है। एक ये बनती है, हाँ शाब, एक एक बंदा करे ना, फाकरा कर रही है उसको करने दे, पहले पहले फाकरा को करने दे, बाद में कर लें आप। फाकरा आप करें इसको कंटिन्यू, बाद में दोस्त से किसी और से करवाते हैं जी, ठीक है। ये बन सकती है, ये बन सकती है, ठीक है, एक और बन रही है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझना। तो पेरेंट चेन जो बन सकती है, एक तो ये बन सकती है ये वाली, ठीक है, मतलब जो चेन पॉसिबल है, अभी पेरेंट चेन की नहीं मैं बात कर रहा, ठीक है। एक आपकी बन सकती है यहाँ से ग्रीन में, अगर उसको हम कर लें, ठीक है, वो बन सकती है जी इधर से, आप इधर आए, ठीक है, और फिर इधर आए, सही है, ये भी एक चेन बन सकती है। उसके अलावा जी एक बन सकती है कि आप यहां से शुरू करें, ठीक है, इधर जाएं और फिर इधर जाएं, ठीक है, ये भी एक चेन बन सकती है। तो इनमें नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लेते हैं किसमें ज्यादा है, ठीक है। तो अच्छा जी, इसमें 1 2 3, मैं बल्कि इनको 1 पे 1 करता हूँ, ठीक है, पहली वाली देख ले, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम्स हैं इसमें, ठीक है। दूसरी वाली बन सकती है जी ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 एटम है, ठीक है। एक और बन सकती है यहाँ से इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, ये कम है, ठीक है। तो 2 8 वाली जो है ना वो 2 कम्पीट कर रही हैं, एक है ये वाली, ठीक है, ये 8 वाली है, ठीक है, एक है ग्रीन वाली यहां से इधर और इधर,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो उसमें भी 8 हैं। तो अब ये दोनों बेसिकली एक जैसी चेंज है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है किसी किस्म का, क्योंकि यहाँ से इसके भी इस तरफ 3 का आवरण है, इसके भी इस तरफ 3 का आवरण, तो दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं ऐसे पेरेंट चेन। ठीक है, तो फर्ज करें आपने ये पेरेंट चेन चूज की है, ये वाली, ठीक है, तो बाकी सारे आपके जो है वो क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे। मसलन आपका एक ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, एक ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। और लास्ट पे एक और स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसमें आप बताएं जी वो एक और, इसमें जहाँ पे हर कॉर्नर पे एक एटम है कार्बन है, ठीक है, हर किनारे सिरे पे और हर कॉर्नर पे एक कार्बन है, आप लगाएं शाबाश। हाँ जी ठीक है, चलें अब ये है, ठीक है ठीक है ठीक है, सब पता चल गया मुझे। अब ये देखिए इसमें ये है कि एक ये बन सकती है, ये इधर से इधर से इधर से, ये सिंपल ही है ये तो कंपाउंड, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 जो है ना वो कार्बन है, बाकी ये एक सब्सिटेंट है मिथाइल, ये एक सब्सिटेंट है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक हमने पढ़ लिया कि पेरेंट चेन को चूज कैसे करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप होता है जी नंबरिंग करनी है पेरेंट चेन की, ठीक है। अब नंबरिंग के लिए क्या रूल है, नंबरिंग के लिए रूल ये है कि हम नंबरिंग उस सिरे से स्टार्ट करते हैं जहां से किसी भी सब्सिट्यूएंट को कम नंबर मिले। मसलन अब ये आपके पास एक नजर आ रही है चेन, तो ये सिंपल मैंने बना दी है, पेरेंट चेन है ये वाली, ठीक है। अब इसमें दो सब्सिट्यूएंट है, एक ये सब्सिट्यूएंट है और एक ये सब्सिट्यूएंट है, ठीक है। हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है, तो नंबरिंग अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, ठीक है, और 5, जो पहला नंबर मिल रहा है ना सब्सिट्यूएंट को वो 3 मिल रहा है, ठीक है। अगर हम दूसरी तरफ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, तो सब्सिट्यूएंट को नंबर मिल रहा है 2, तो हम वो वाली नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर से सब्सिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, ठीक है। तो ये वाली नंबरिंग जो है ना वो हम यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए सर, अच्छा जी, अब नेक्स्ट ये वाला स्ट्रक्चर देखें जो आपको नजर आ रहा है, जो सेकंड पॉइंट है उसको समझने के लिए कि भाई अगर हमारे पास कुछ इस तरह की सूरत हाल हो, मतलब अब ये वाला जो स्ट्रक्चर जो नेक्स्ट वाला मैं कह रहा हूँ, इसमें देखें कि आपके पास ये सिंपल सी लॉन्गेस्ट चेन है, जिसमें ये जो ना वो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है सिंपल, ठीक है। अब इसको आप जो ना वो नंबर दो तरह से दे सकते हैं, एक आप इधर से नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 और 6, वजह ये है कि 3 पोजिशन पे इधर एक सब्सिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है। दूसरी तरह आप इसको दूसरी तरफ से भी नंबर दे सकते हैं, इधर से भी 1 2 3 4 5 6। अब दोनों तरफ से नंबरिंग देने पे जो पहला पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है उसको नंबर 3 मिल रहा है, ठीक है। अगर इधर से शुरू करें तो ये मिथाइल को 3 नंबर मिलता है, अगर इधर से शुरू करें तो इथाइल को 3 नंबर मिलता है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करेंगे, ऐसी सूरत हाल में हमने ये देखना होता है कि दोनों सब्सिट्यूएंट्स में से है कौन कौन से। अब दोनों सब्सिट्यूएंट्स में से एक है हमारे पास जो ना वो मिथाइल, ठीक है, एक मिथाइल है जिसका नाम एम से शुरू हो रहा है, एक हमारे पास है इथाइल ये वाला, ठीक है, ये इथाइल है इसका नाम ई से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अब रूल ये कहता है कि जिसका नाम अल्फाबेटिकली पहले आता है एबीसी के लिहाज से, जिसका नाम पहले आता है उसको हमने लोएस्ट नंबर देना है, मतलब हमने प्रेफर करना है कि नंबरिंग हम इधर से शुरू करें ताकि इसको लोएस्ट नंबर मिले, ठीक है। तो उधर उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिस तरफ से इसको लोएस्ट नंबर मिले, ना कि मिथाइल को, ठीक है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो कि दो एक जैसे सब्सिटेंट आ जाए, जो दो डिफरेंट सब्सिटेंट आ जाए, पोजिशन सेम हो, तो नंबरिंग किस तरफ से करनी है, तो नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से उस को कम नंबर मिले जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, ठीक है। तो ये एक उसमें छोटा सा जो ना वो पॉइंट है कि हमने इस सूरत हाल में क्या करना है, ठीक है। एक और देख लें, अगर हम एक स्ट्रक्चर फर्ज करें, एक और एग्जांपल इसकी ऐसे ही हो सकती है, सी सी यहाँ पे सी लगा लें, सी है ठीक है, 6 कार्बन का, या इसको वैसे ही इसको 2 पे लगा लें, CH3, ठीक है, और इधर से जो ना वो CH2 एंड CH3, ठीक है। तो ये भी वही सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो दूसरी तरफ से हमने इधर एक CH3, CH2 और CH3 लगा हुआ है, ठीक है।
तो इधर भी CH3 लगा हुआ है, सही है। अब ऐसी सूरत हाल में भी वही बात आ जाती है, अगर इधर से शुरू करें तो एक मिथाइल को 2 मिल रहा है, एक को 3 मिल रहा है, और इनमें से एक को 4 मिल रहा है, एक को 5 मिल रहा है, जबकि दूसरी तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करें जो ना वो लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, तो एक इथाइल को 2 मिल रहा है, एक को 3 मिल रहा है, और इसको 4 और 5 मिल रहा है। तो लोएस्ट नंबर हमने कोशिश करनी है कि इथाइल को मिले ना कि मिथाइल को मिले, तो ये इसका जो था वो सेकेंड पॉइंट है इसमें। अच्छा, अब उसके बाद ये वाला है, 1 2 3 4 5, इसमें क्या है कि इधर से नंबरिंग शुरू करें, इसमें किससे नंबरिंग शुरू करेंगे ये बताएं जरा। ये एक कार्बन है और एक ये कार्बन है, ठीक है, पहले वाला, या ये पहला हो सकता है, ये हो सकता है, सब्स्टिट्यूएंट सेम ही है। सर जहां से मर्जी कर ले, ठीक जहां से मर्जी कर लें, कोई फर्क नहीं। अगर मैं इधर से नंबरिंग है शुरू करता हूँ, जी। 1 2, ठीक है, ये 3, ये 4, ये 5, और ये बन जाएगा 6, ठीक है। अगर मैं दूसरी तरफ से नंबरिंग शुरू करता हूँ ना, तो ये बन जाएगा 1, ये वाला बन जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये 6, ठीक है। फर्क किस चीज का आ रहा है? फर्क आ रहा है कि भाई ये तो दोनों में, इसको और इसको तो 2 2 ही मिल रहा है अगर इधर से भी शुरू करें, ठीक है। अगर इधर से शुरू करें ना, तो इसको मिल रहा है 3, ठीक है, और अगर इस तरफ से शुरू करें तो इसको मिलता है 4, ठीक है। अब ये दो पहले दो पॉइंट सेम है दोनों में, पहले दो पॉइंट क्या है, सेम। तो जब पहले दो पॉइंट सेम हो, तो फिर हम अगले जो ना वो देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, कि जिस नंबरिंग में उससे अगले सब्स्टिट्यूएंट को नंबर जो ना वो लोएस्ट मिले, उधर से नंबरिंग शुरू करते हैं। ये पॉइंट समझ में आया बच्चे? मतलब जी ये देखे ना, सर, पहला तो पहला फिर दोनों में सेम है, ये 1 2 2 पोजीशन पे आ रहे हैं, तो फिर उससे अगले को देखते हैं, उससे अगला अब ये वाला है, उससे अगले को इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे ना, तो फिर 3 नंबर मिलता है, और अगर इधर से करेंगे तो फिर 4 मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से फिर हम नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये लास्ट पे अब वो, ये अब वो वाला आ गया, ठीक है। इसमें अगर एक ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो इधर से नंबरिंग शुरू करें, किधर से शुरू करेंगे नंबरिंग? सर राइट साइड से। राइट से शुरू करेंगे, क्योंकि इसको 2 मिल रहा है, इधर से लोएस्ट नंबर मिल रहा है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम नंबरिंग कर सकते हैं। नंबरिंग के वाले से बच्चे को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, फिर आगे चलते हैं हम। नो सर, क्लियर है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जी, नाम लिखना है हमने, ठीक है। नाम लिखने के लिए क्या क्या चीजें जो ना चाहिए, पहले उसको गो थ्रू कर लें, ठीक है। सबसे पहली चीज जो उसके लिए जरूरी है, पैर। तो ये अच्छा, नाम लिखने के लिए क्या करते हैं जी, नाम के लिए सबसे पहले ये है कि सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम पहले लिखते हैं, ठीक है, और पेरेंट चेन का नाम बाद में लिखते हैं, ठीक है। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम और फिर हम लिखते हैं जी पेरेंट चेन का नाम, ठीक है। तो और जो सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लिखते हैं, उनमें जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब इथाइल का नाम पहले आएगा, चाहे वो उसकी पोजीशन बाद में ही है, और मिथाइल का नाम बाद में आएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर उनके सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम के साथ सेकेंडरी और टर्शरी लगा हो, तो इसको हम अल्फाबेटिकल में काउंट नहीं करते, मतलब इसको नहीं, ये नहीं देखते कि ये एस से शुरू हो रहा है या टी से शुरू हो रहा है। सेकेंडरी के बाद जो आएगा ना, ब्यूटाइल है, फर्ज करें सेकेंडरी ब्यूटाइल है, और टर्शरी जो ना वो इथाइल टर्शरी पेंटाइल है, तो हम देखेंगे ब्यूटाइल को और पेंटाइल को, हम एस और टी को नहीं देखेंगे, ठीक है। इनको हम अल्फाबेटाइजिंग में यूज नहीं करते, जबकि आइसो और नियो जब आए, तो फिर इनको हम काउंट करते हैं कि ये आई से शुरू हो रहा है और ये एन से शुरू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये है कि हर सब्स्टिट्यूएंट के नाम से पहले उसकी पोजीशन लिखते हैं कि वो कहाँ पे मौजूद है, 2 कार्बन पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, जहां पे भी है, ठीक है। और अगर एक सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा दफा आए, तो उसका नाम एक दफा ही लिखते हैं, और उसकी जो मल्टीप्लिसिटी है कि जितनी दफा आ रहा है, उसको डाई ट्राई टेट्रा पेंटा से शो कर देते हैं, हम आगे लिखते हैं तो फिर हमें पता चलता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम पेरेंट चेन का नाम लिख देते हैं, पेरेंट चेन से मुराद जितने कार्बन होते हैं पेरेंट चेन में, 8 9 10 11 जितने भी होते हैं। फिर एक और बात याद रखनी है हमेशा, कि पूरे नाम में कहीं पे भी कोई स्पेस नहीं डालते, एक एक ही लफ्ज बना के लिखते हैं पूरा नाम, ठीक है। और एक और बात यह है कि नंबर्स
को आपस में नंबर्स को वर्ड से सेपरेट करने के लिए हाइफन यूज करते हैं, ये वाली जिसको हम डैश भी कहते हैं, ठीक है ना। फर्ज करें आपने लिखना है 2-methyl, ठीक है, तो आप ये यूज करेंगे, ठीक है। और जब आपने नंबर को नंबर से सेपरेट करना है, ठीक है, तो फिर आप कॉमा यूज करते हैं, फर्ज करें 2, 2, 3, ठीक है, और आगे आ गया जी ट्राई, जो भी आ रहा है, ठीक है। नंबर्स को आपस में सेपरेट करने के लिए कॉमा और नंबर को वर्ड से सेपरेट करने के लिए हाइफन यूज करते हैं। ये चीजें माइंड में रख के अब आगे हम कंपाउंड्स के नाम रखते हैं। अब ये हमारे पास एक कंपाउंड है जो जिनको हमने पीछे नंबर दिए हैं अभी, ठीक है। हमने कहा जी कि ये इनकी नंबरिंग है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो पेरेंट चेन है पेंटेन, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट के नाम पहले आते हैं, ये एक सब्स्टिट्यूएंट, ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो 2-methyl ग्रुप है, एक लगा हुआ है 2 पे, एक लगा हुआ है 3 पे, 2, 3, और कितने मिथाइल हैं जी, 2 मिथाइल हैं, डाई मिथाइल, ठीक है, 2, 3, डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है। इस तरह से हम इसका नाम लिख देते हैं, 2, 3 डाई मिथाइल पेंटेन है, और ये स्पेस नहीं, नाम में कहीं पे भी आनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ इसका नाम लिख लेते हैं, इसका क्या था जी, इसकी ये चेन थी बन रही 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 कार्बन है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, और ये सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक इथाइल है और एक मिथाइल है, तो पहले इथाइल आएगा, इथाइल लगा हुआ है 3 पोजीशन पे, 3-ethyl, ठीक है, 3। अच्छा, इनको स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, कैपिटल में नहीं लिखते, 3-ethyl, उसके बाद मिथाइल 2 है, एक 2 पे है और एक 3 पे है, 2, 3, 2, 3 डाइमिथाइल और ये भी पेंटेन है, ठीक है। इसी तरह ये नीचे आपको एक कंपाउंड नजर आ रहा है, ठीक है, मेरा ख्याल है नजर आ रहा होगा आपको, नजर आ रहा है ये कंपाउंड, अच्छा, इसके इसमें पेरेंट चेन चूज करें, फर्ज करें ये पेरेंट चेन इसमें सीधी सीधी ही होगी, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा नंबरिंग दे दें, किधर से नंबरिंग शुरू करेंगे, इधर से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। इसका नाम बताएंगे जी सर, 3-diethyl, 3, हाँ 3 पे क्या आएगा, इथाइल डाइथाइल, अच्छा। सर 2 है ना, हाँ, तो जब 2 है तो उनको नंबर भी 2 दफा लिखना उसका, 3, 3, अच्छा डाइथाइल, हाँ डाइथाइल, 4 और 5 पे मिथाइल, 4 और 5 पे मिथाइल है, 5 पे कितने हैं, सर 2 है, हाँ, तो वो आएगा 4, फिर आएगा 5, 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 5
नो डाई डाई है, तीन आए ट्राई मिथाइल और पेरेंट चेन का नाम क्या है? हेप्टेन। आठ वाले को हेप्टेन कहते हैं। नहीं नहीं पढ़ा ही नहीं आपने? मैंने पिछले लेक्चर में बकायदा इसके वो पहले 20 के नाम शामिल किए थे। फाखरा बताएं जरा। सर वो क्लियर नहीं नजर आ रहा था इसलिए मैंने पढ़ा ही नहीं, वो क्लियर नहीं आ रहा था। ऑक्टेन बिल्कुल क्लियर था वो। ऑक्टेन मैं इतनी अच्छी पीडीएफ थी वो, हाइजरा जितना मर्जी उसको ज़ूम कर लें क्यों जी। ऑक्टेन है ये, ठीक है। तो ये आपने याद करने हैं पेरेंट जो ना वो उनके नाम, ये ऑक्टेन बाद में आएगा इसके, तो वो मैंने इधर रख दिया। तो अब इसका नाम रखेगी जी, ये बताएंगी ये किंजा। किंजा किधर है? इसमें ये है कि नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल
ठीक है, हेक्सेन, ठीक है, 6 कार्बन वाला हेक्सेन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनको नाम दे सकते हैं। अच्छा, ये जितने रूल्स हमने पढ़ लिए हैं ये काफी होते हैं नाम देने के लिए, लेकिन कई दफा हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से वास्ता पड़ता है, ठीक है। तो उनको दो और रूल्स हम पढ़ लेते हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े हुए, ठीक है। वो ये है कि अगर साइड चेन जो आपका सब्सिस्टेंट है, जिसको हम सब्सिस्टेंट कह रहे हैं, उसका भी आगे सब्सिस्टेंट हो, मतलब साइड चेन है उसकी भी आगे साइड चेन है, मिसाल के तौर पर ये वाली साइड चेन है, मैं इसको शॉर्ट टाइम कम है, ये साइड चेन की भी आगे क्या है, साइड चेन है, ठीक है। तो जब ये वाली सूरत हाल हो तो फिर क्या है, फिर हमने इस पूरी साइड चेन का नाम, ठीक है। अब इसमें दो साइड चेन आ जाती हैं, एक ये मेन साइड चेन आ जाती है, ये वाली मेन है, ठीक है, और ये वाली जो है ना ये एडिशनल साइड चेन है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस मेन साइड चेन की नंबरिंग करनी है उस कार्बन से जिस कार्बन के साथ ये पेरेंट चेन है, ये पेरेंट चेन है और एक ये साइड चेन है। मेन साइड चेन की नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिस कार्बन से वो मेन चेन पेरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। और इसकी 2 पोजीशन पे एडिशनल साइड चेन लगी हुई है जो कि इथाइल है, ठीक है। जब ये वाली सूरत हाल हो जाए तो हमने नाम कैसे लिखना है, तब हमने इस पूरी साइड चेन का नाम ब्रैकेट में लिखना होता है, ठीक है। कैसे लिखेंगे भाई, फर्ज करें सबसे पहले मैं इसकी नंबरिंग आपको करवा देता हूँ, ये आपकी मेन चेन है, पेरेंट चेन, ठीक है। इसकी नंबरिंग हम शुरू करेंगे इस तरफ से, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डिकेन है ये, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखना है कि है क्या क्या सब्सिटेंट, मिथाइल है, 1 2 3 4 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और एक ये साइड चेन लगी हुई है, ठीक है। इस साइड चेन का नाम तो 4 कार्बन है, लेकिन इसमें भी आगे 2 पोजीशन पे इथाइल लगा हुआ है। तो ये जो है इसका नाम हम कैसे लिखते हैं, इसका नाम हम लिखते हैं ब्रैकेट में। कैसे हम लिखेंगे जी, कि ये साइड चेन की पोजीशन क्या है पूरी की, इस पूरी की पोजीशन है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 पे क्या लगा हुआ है, 5 पे लगी हुई है, 5 पे लगा हुआ है 2 इथाइल और ब्यूटाइल है, ठीक है। और उसके बाद 3 3 3 3 4 5 टेट्रामिथाइल, टेट्रामिथाइल डीकेन, ठीक है। मतलब ये है कि हमने ये जो साइड चेन की साइड चेन थी उसकी नंबरिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको ब्रैकेट में लिख दिया बस, कि ये जो इतना स्ट्रक्चर है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये वाला, ठीक है, इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा ये इतना ये है, इसका नाम ये ब्रैकेट वाला है, ये 2 इथाइल ब्यूटाइल है, इसमें 2 पोजीशन पे ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये खुद ब्यूटाइल है, ठीक है। तो इस वजह से इसका नाम हमने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। एक और रूल है लास्ट वाला, कि अगर ये जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं, कि अगर हम अल्टरनेटिव सेट्स जो होते हैं वो डिफरेंट नंबर्स दें, ठीक है, अल्टरनेटिव सेट्स जो है वो डिफरेंट नंबर प्रोड्यूस करें, तो फिर हमने वो सेट चूज करना होता है जिसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे लोएस्ट नंबर हो, ठीक है। अब इस तरह की सूरत हाल में हमने क्या करना है, अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे आप 2 तरह की नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6। यहाँ पे जो आपके सब्सिस्टेंट्स के ना सारे के सारे मिथाइल हैं, सब्सिस्टेंट्स की पोजीशन आ सकती हैं जब आप नाम लिखेंगे 2 2 3 2 2, उसके बाद आ जाएगा 4, ठीक है, फिर आएगा 5 और 5, ठीक है, और साथ में आ जाएगा जी कितना जी, पेंटामिथाइल हेक्सेन। सर 6 नहीं है, 5 मिथाइल है ना, 5 मिथाइल है, पेंटामिथाइल हेक्सेन मैं कह रहा हूं ना, जी, लग गई समझ। ठीक है, अच्छा, दूसरा इसमें नंबरिंग एक और तरह से नंबरिंग पॉसिबल है, कि अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करें राइट से बल्कि, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें अब नंबरिंग जब देंगे ना तो फिर इन ये नाम आएगा 2 2, ठीक है। अब इसको 3 नंबर मिला है, 2 2 3 5 5, और बाकी सारा कुछ वैसे ही आएगा, पेंटामिथाइल
बाकी वैसे ही आएगा। अब इन दोनों नंबर्स में से हमने किस सेट को चूज करना है, हमने उस सेट को चूज करना है जिसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे लोएस्ट नंबर हो। अब यहाँ पे देखे ना, ये पहले दो सेम है दोनों में, ठीक है, अगला इसमें चार है इसमें तीन है, तो हमने वो वाला सेट चूज करना है जिसमें लोएस्ट नंबर वाला हो, ठीक है। तो ये वाला सेट जो है ना वो ग्रीन वाला दुरुस्त है नंबरिंग, दूसरे वाली जो ना वो नंबरिंग ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये रूल्स है नेमिंग के, एल्केन्स के, उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे, ठीक है। आपने एक काम करना है, नेक्स्ट टाइम जब आपने मंडे को आना है, सुन रहे हैं सारे बच्चे, आपने जो एक्सरसाइज है एम यूनस की, ठीक है, एम यूनस की जो बुक पे एक्सरसाइज है इसी चैप्टर की, अल्केन्स वाले चैप्टर की, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर की, उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपने 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये आपने हल करना है, और इसके आंसर्स जो है ना वो आपने एक पेज पे अच्छे से लिख के, खूबसूरत से लिख के आपने मुझे वो एक असाइनमेंट कह लें भेजने हैं। सिर्फ साफ सुथरा लिखा होना चाहिए, नजर आना चाहिए कि नाम क्या लिखा है, स्ट्रक्चर क्या बनाया है,